नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आज मैं आपके लिए एक यम्मी सा नाश्ता लेकर आई हूँ। तो देखिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाफ के जी राजमा बीन्स ली हूँ, राजमा फली, तो और 3-4 आलू ली हूँ, 2 प्याज, 3 टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्ची और 2 कली लहसुन ली हूँ। कली मतलब पूरा साबुत लहसुन का पोट ली हूँ मैं। इसे अच्छे से धो के साफ करके मैं सब्जी फटाफट काट रही हूँ यहाँ पे। तो आप चाहे तो सब्जी पहले से भी रात को भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर जो है ना, बीन्स वगैरह काट के रखने से काला हो जाता है, इसलिए मैं सुबह ही जल्दी जल्दी फटाफट काट लेती हूँ और सब साफ करके। और इस सब्जी को मैं कुकर में बनाऊँगी। कुकर में ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी से बन भी जाता है, सुबह सबको जल्दी होता है। तो बस देखिए मैं काट ली हूँ और इस कुकर को मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ, गर्म हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा तेल डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच मैं तेल डाल दी हूँ सरसों का। मैं जी सरसों तेल में ही बनाती हूँ। तो बस ये गर्म हो रहा है, उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी मैं इसमें, 1 चम्मच सरसों डालूंगी। थोड़ा भून जाए तब मैं इसमें जो बाकी काट के रखे हैं प्याज अदरक लहसुन, लहसुन भी इसी टाइम डालेंगे इसमें, ताकि ये तेल में फ्राई हो साथ में, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा उसमें। तो देख लीजिएगा, ये मैं एक एक करके डालूंगी। पहले मैं डाल दी मिर्ची, लहसुन, अदरक और लास्ट में प्याज डाल दी मैं। अब ये भून रहा है, तो ये एकदम भुनेगा, थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा, देख लीजिए गोल्डन कलर हो गया है ये। उसके बाद ही मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी। इधर मैं टमाटर और धनिया भी रखी हूँ रफली काट के, उसे भी डालूंगी। देखिए अभी ये सब्जी मैं इसमें डाल रही हूँ, सब्जी डाल के थोड़ा भुनेंगे, ये सब्जी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए इसे भून रहे हैं, तब तक अगला तैयारी भी कर लेते हैं, भून के इसे ढक के रखते हैं, कुछ मीठा का भी तैयारी करते हैं। तो मीठा के लिए हम यहाँ पे ब्रेड का मीठा बना रहे हैं। तो ये देखिए टमाटर और धनिया, इधर मैं तब तक धनिया काट के पहले रख देती हूँ, एक साइड रखा रहेगा, लास्ट में डालेंगे धनिया। ये देखिए कैंची से आप काटे बहुत ही अच्छा कटता है। मैं किचन के लिए एक अलग से ये कैंची रखी हूँ, इसी से मैं अक्सर काट लेती हूँ, साग वगैरह भी बहुत अच्छा कटता है। देख लीजिए कितना महीन हो गया है। तो ऐसे काट के, और टमाटर भी दोनों को एक साइड अभी रखी हूँ मैं, तब तक एक बार इसे चेक कर लेंगे। ये भून रहा है, अभी थोड़ी देर और पकेगा ये, मतलब भुनेगा थोड़ी देर और, थोड़ा देर और भून जाने दीजिए, 1-2 मिनट। तब तक मीठा के लिए, तो देखिए यहाँ मैं ली हूँ 1 केजी पैकेट है मैदे का, इसमें मैं इसमें से मैं 1/2 केजी निकालूंगी मैदा। ये है 1 पैकेट ब्रेड, ब्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या रेगुलर ब्रेड जो भी आने, तो रेगुलर ब्रेड ही ली हूँ। अब इसमें 1/2 केजी मैदा मैं निकाल रही हूँ एक परात में, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलूँगी। इसमें पहले मैं चीनी डालूँगी, चीनी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो आपका स्वाद हो। मैं इसमें 1/2 केजी मैदा में यहाँ पे 250 ग्राम चीनी डालूंगी, 250 ग्राम चीनी डालने से अच्छा मीठा बनता है, बच्चे इसे खूब पसंद करते हैं लंच बॉक्स में, तो ये बहुत ही बच्चों का फेवरेट होता है। तो आप सफर ये आराम से ले जाएं, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी, 1-2 दिन आप आराम से खा सकते हैं अचार के साथ। तो देखिए हाँ सब्जी भुन गया है। अब कुछ बेसिक मसाले हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, पानी में घोल के थोड़ा मैं इसमें रही हूँ, बस अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा गैस इस समय तेज कर लेंगे और थोड़ा इसे पका लेंगे।
हल्का सा भून जाएगा। और एक नमक डाल दिया है इसमें अपने स्वाद के हिसाब से, बस। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, झटपट से बनती है ये सब्जी, तो बस टमाटर डाल दिए इसमें। ज़्यादा भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब टमाटर डालने के बाद ये आराम से सीटी लगने के बाद सब गल के एक सा हो जाएगा, देखिए कितना दिखा है। तो इसी टाइम हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप ज़्यादा जूसी चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, नहीं तो कुकर में ज़्यादा पानी सूखा नहीं है इसलिए पानी कम ही डालें। तो मैं 1.5 बाउल 200-300 ml पानी डाल, तो थोड़ा सोख लेता है आदमी, तो ऐसा सब्जी बन जाएगा। अच्छा बंद कर दी हूँ, 2 सीटी आएगा फिर उतार देंगे। तो तब तक मैं इधर जो मैदा है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक घोल तैयार करूँगी। एक चम्मच की मदद से मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला, मीडियम करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, उसे घोलते जाएंगे। इस आधे के जी 100 ml तक पानी लग गया है और ये घोल तैयार हो गया है, देख लीजिए। ये घोल आपको अभी दिखाते हैं कितना इसका ज़्यादा पतला बना है। ज़्यादा पतला नहीं है, ये थोड़ा चीनी घुलेगा तो थोड़ा और पतला होगा। ये अभी देख लीजिए आप इसका, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए। बस ऐसा ही बनाना है घोल, ताकि ब्रेड जो हम बनाएंगे इसमें डीप करेंगे तो उस पर कोटिंग हो सके, एक पतली सी लेयर, बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और ये ब्रेड जो है हम साइड का जो ब्राउन है उसे हम काट लेंगे। तो बस देखिए यहाँ एक साथ मैं 2 भाग में बांट ली हूँ, ब्रेड के पैकेट को आधा आधा कर दी हूँ। और उसके बाद मैं इसका किनारा जो है साइड से चाकू से ऐसे काट लूँगी। इस किनारे को भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसका ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छा बनता है। इसे काट के आप इसे ग्राइंड करके फिर इसका और भी डिश आप बना सकते हैं, काफ़ी कुछ बनता है इससे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे और भी अच्छी टेस्टी नाश्ता हर रोज़ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ये सब नाश्ता जो हमारे घर में बनते रहता है हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप इंजॉय करें। बस देखिए इसी तरह से ब्रेड को दोनों तीनों साइड से इसका किनारा हम काटते जा रहे हैं, और काट के फिर इसको बीच से भी काट दिए हैं। आप अपने हिसाब से इसका शेप काट सकते हैं, पूरा चाहे तो पूरा पूरा पीस भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इसे बीच से काटती हूँ तो अच्छा शेप दिखता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा कट के तैयार हो गया है, टेस्टी दिख रहा है। बस तो तेल इधर गरम कर दिए हैं कढ़ाई में, उसमें मैं डाल रही हूँ घोल में डीप करके, जो ये मैदे का घोल था उसी में मैं एक एक पीस डीप करते हुए इसमें डालते जा रही हूँ कढ़ाई में। तो बस ये बन रहा है, देखिए इसको पलट देंगे। ज़्यादा नहीं देर लगता है इसको, में बस 1 मिनट ये लगेगा, 1 बज तैयार हो जाएगा। थोड़ा चिपक जाता है तो आप घबराए नहीं, ये थोड़ा एक बार पलटने के बाद वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। बस अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए आप इसे चाहे तो पेपर नैपकिन पर भी निकाल के उसे पानी उसका तेल निकाल सकते हैं। मैं दूसरा बैच भी डालती हूँ यहाँ पे, ये तैयार हो रहा है, देखिए फटाफट से ये तल जाता है। हर 1-1.5 मिनट में 1 बैच निकलते जाएगा ये, और रेडी हो जाएगा। तो तब तक सब्जी भी यहाँ मेरा हो गया है, सीटी दे दिया है, तो मैं उतार के इधर रखती हूँ। अभी सीटी निकलने के बाद मैं इसे दिखाती हूँ, ये देखिए कितना यम्मी सा बना है ये सब्जी। इसमें
धनिया डाल के मिक्स करेंगे। तो बस देखिए इसी टाइम मैं इसमें धनिया डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। अब ये मिक्स हो गया है, कितना यम्मी सा दिख रहा है। अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना टेस्टी सा बना है ये, बहुत ही सॉफ्ट बना और स्वाद में तो लाजवाब है ही। आप इसे एंजॉय करें। हमारी ये रेसिपी यदि पसंद आई, देखिए कितना सॉफ्ट है तोड़ के, हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बने रहें हमारे चैनल पे अच्छा अच्छा टेस्टी नाश्ता और अलग अलग डिश देखने के लिए।